हेलो जी, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। क्या हाल चाल? तो मैं बस स्टैंड में, ओल्ड बस स्टैंड के पास, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यार 27th ऑफ दिसंबर है आज, और मैं गाड़ी पार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि हो नहीं रही है। मेरा मतलब है कि मैं पार्किंग ढूंढ रहा हूँ और पार्किंग फुल है, पूरे शिमला में मुझे कहीं पार्किंग नहीं मिल रही है, इधर से उधर घूम रहा हूँ। जो मेन पार्किंग है लिफ्ट के पास वो फुल है, तो मैंने सोचा कि एक बार इधर विक्ट्री टनल तक का चक्कर काट के आता हूँ गोले में, क्या पता, क्योंकि बीच बीच में निकलती रहती हैं गाड़ियाँ तो फिर वहाँ लग जाए, क्योंकि वही एक पार्किंग है। अब क्योंकि मेरे को बाजार जाना है तो वहीं लगानी पड़ेगी मेरे को, तो बड़ी दूर तक आ गया हूँ, देखता हूँ, उम्मीद है अब मिल जाए शायद पार्किंग वहाँ पे। ये है जी हमारा ओल्ड बस स्टैंड उधर, ये सामने जहाँ से लोकल बसेज आ रही हैं, और ये छोटी सी टनल, इसके ऊपर पार्किंग है और सीधी आगे, ये भी फुल ही होती है हमेशा ही, उधर को जाएंगे अब हम। हेलो जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे यार, वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है चैनल में। और हैरान हो जाओगे आप, यार मेरे को पार्किंग की जगह वहाँ मिली ही नहीं, मतलब लिफ्ट पे जो मेन पार्किंग है वहाँ तो जगह है नहीं, पे बिम्बलोई में, वहाँ नीचे आके उतराई में, ये इधर, ये पीछे लगी है गाड़ी, यहाँ पे देखो अलग ही जगह लगाई है, जगह ही नहीं है कहीं, इतना ज़्यादा टूरिस्ट का रश है, लोकल भी हैं टूरिस्ट भी हैं, तो बहुत ज़्यादा रश है, तो पार्किंग मिली नहीं, अब यहाँ लगा रहा हूँ। अब वापस जाऊँगा मतलब मॉम के पास सुपर बाज़ार में, फिर जब वो आएंगे तो वापस यहीं से गाड़ी ले जाऊँगा। क्या करें यार, आजकल हो रही है, बड़ी दिक्कत हो रही है, बट एनीवेज आजकल कोशिश कर रहा हूँ कि रोज़ रोज़ अपडेट करूँ आपको। तो चलते हैं बाज़ार में, और कुछ अगर कुछ होगा नया तो आपको दिखाएंगे। डू नॉट गो एनीवेयर, वॉच दी व्लॉग टिल एंड, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। हाँ जी, तो क्या हाल चाल, ये है जी जगह जहाँ पे मैं अभी हूँ, और वहाँ जाना है अभी चढ़ चढ़ के, यहाँ यहाँ से चढ़ाई के बीच बीच में से उधर पहुँचना है हाई कोर्ट के पास मुझे अभी। ये मेन सड़क है जो लिफ्ट की तरफ जाती है, और भाई ये एरिया ना कोल्ड जोन है पूरा, हर कुछ ही ठंड होती है इस एरिया में, तो बिल्कुल ही कोल्ड जोन है, बेम्बलोई है इस जगह का नाम। अब यहाँ से पैदल पैदल जाएंगे हम, चढ़ाई चढ़ते हुए आपको नया ही रूट देखने को मिलेगा आज, बड़े टाइम से मैं आया नहीं था यहाँ से, यहाँ से जाएंगे बाजार की तरफ। तो यार शिमला वालों, ऐसा है कि ये गाड़ियों की 5-10 ये जो पार्किंग बना रखी है ना साइड में शिमला में, इनसे कुछ नहीं होगा, बहुत बुरा हाल है शिमला में पार्किंग का। अगर कोई सुन रहा है तो एक लोकल आइट की रिक्वेस्ट है कि भाई ये 10-20 गाड़ियाँ साइड में मत लगवाओ, प्रॉपर कुछ इंतज़ाम करो, पार्किंग्स बनाओ हर जगह पे, बहुत परेशान हो रहा है टूरिस्ट भी और लोकल लाइट्स भी। इसको स्मार्ट सिटी तो बना रहे हैं, पर स्मार्ट सिटी लायक हरकतें भी करो। गाड़ियाँ देखो सड़क के साथ सारे में लगी हुई है, ही नहीं जगह ही नहीं शिमला में कहीं। ये चढ़ाई चढ़ के जा रहा हूँ मैं आज। एक्चुअली यार इसमें टूरिस्ट का कसूर भी नहीं, लोकल का कसूर, लोकल भी मजा आ रहेंगे, टूरिस्ट भी है, आप जगह हिल स्टेशन है तो घूमेगा टूरिस्ट भी, और सीन वही है ना, फैसिलिटीज़ के नाम पे बेसिक सी चीज़ है, पार्किंग तो रखो यार कम से कम शहर में, ऐसे कैसे चलेगा। देखो कैसे तो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं यहाँ पे, ये तो ऑफिस हैं, एक्चुअली ये तो ऑफिस है यहाँ पे काफ़ी सारे ना, ये उद्योग भवन है ये वाला, तो ये उसकी पार्किंग है, ये जो छोटी सी इतनी सी आपको 2-3 की जो पार्किंग दिख रही है ये उद्योग भवन है एक्चुअली, और ये चढ़ाई है जो हम चढ़ते हुए जा रहे हैं। ये देखो, एक पार्किंग ना होने का ना एक और ड्रॉबैक बताता हूँ आपको, पार्किंग होती नहीं है हमारे पास, दी नहीं है क्योंकि सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करते हैं, पहाड़ में बारिश होती है, लैंडस्लाइड आते रहते हैं, पेड़ गिरते रहते हैं, ये देखो ये होता है, फिर ये देखो हाल देखो, 03 लोकल गाड़ी है भाई जी, ये शायद खड़ी होगी यहाँ पे, मेरे भगवान लग रही है ऑल्टो किसी हाल से, देखो क्या हो गया अभी इसका, ये गिरा होगा पक्का, ये देखो हाल खराब हो गया अभी हमारे पहाड़ का, शिमला का, गाड़ियों और रश की वजह से तो ना मतलब संभाल ही नहीं संभल रहा है। तो यार एक और बात है, बात यह है कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शिमला में बर्फ़, देखो 27 दिसंबर है तो धूप पड़ रही है मेरे मुंह पे, और आने वाले अभी इस वीक बर्फ़ का कोई चांस नहीं है शिमला में मेरे हिसाब से, और वेदर फोरकास्ट के हिसाब से, और जो मेरा एक्सपीरियंस है शिमला में रहने का, बर्फ़ आएगी मिड जैन, 7 के बाद, मतलब समझ लो 7 के बाद उम्मीद है कि शिमला में बर्फ़ पड़ जाएगी, और आपको अच्छी खासी बर्फ़, बर्फ़ तो पड़ती पड़ती है हर साल यहाँ पे, पर मिड जैन के बाद ही उम्मीद रखो आप। अभी आगे आने वाले 27 है आज, आने वाले 7-8 दिन तक मेरे को नहीं लगता कि शिमला में बर्फ़ है अभी, तो जिनको भी ये जानना था मतलब बर्फ़ का क्या सीन है, और इवन मौसम हल्का ख़राब रहेगा पर बर्फ़ का तो कोई चांस नहीं लग रहा।
लो जी ये पहुंच गए हाई कोर्ट की पार्किंग, ये सामने क्लर्क्स और ये हाई कोर्ट, और ये पहुंच गए जी हम यहाँ पे। अब क्या करें, फिर से पहुंच गया हूँ जी मैं आज बाजार और रिज पे हूँ। टूरिस्ट का रश तो कोई कम नहीं हुआ है, और बाकी क्या बताएं आपको यार, बर्फ़ तो मैंने बता ही दी आपको, मौसम आप देख लो यार। आई एम श्योर रिज की शाम देखने का मन कर रहा होगा आपको, तो बस सनसेट होने ही वाला। तो जब भी शिमला पे रिज पे आता हूँ मैं, सनसेट देखता हूँ, आसपास इतने सारे लोग देखता हूँ, तो मतलब मुझे अच्छे से समझ आता है यार कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो शिमला को समर कैपिटल क्यों रखा होगा उन्होंने अपना, क्योंकि यहाँ पे वो लेजर टाइम स्पेंड करना चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ पे पीस और ग्रीनरी, ब्यूटी, ये सब इन्जॉय कर सके। तो मुझे पता है यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो ब्यूटी इन्जॉय करने आता है, ग्रीनरी इन्जॉय करने आता है, शांति के लिए आता है, क्लीन फ्रेश एयर के लिए आता है। तो यहाँ पे आपको हर वो चीज़ मिलती है जिसके लिए आप अपनी जो कहते हैं ना जो बिज़ी ज़िंदगी होती है, बहुत ही दौड़ धूप वाली, सारा दिन आप भाग के कमाते हैं, थकते हैं, उसके बाद आप एक टाइम आउट के लिए प्लेस ढूंढते हैं कि आपको कुछ अच्छा एहसास हो सके, अच्छी फीलिंग आ सके, तो उसके लिए शिमला परफेक्ट डेस्टिनेशन है। और वैसे आपको बता दूं हिमाचल में काफ़ी सारी डेस्टिनेशन हैं जहां आप जा सकते हैं, बट शिमला में आने का ये फ़ायदा है कि शिमला में काफ़ी कुछ है जो देखा जा सकता है। मतलब एक बार में अगर आप हफ्ते के लिए आते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर आप काफ़ी कुछ है शिमला में और शिमला के आसपास जो अच्छे से क्रिएट, अच्छे से देख पाएंगे और अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करके जा सकते हैं। तो टूरिस्ट बेहिसाब है, लक्कड़ बाज़ार का एरिया है और ये सबसे कोल्ड जोन और सबसे कोल्ड बेल्ट में से है शिमला की, लक्कड़ बाज़ार। पहले तो खैर लक्कड़ बाज़ार इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे लकड़ी के खिलौने और लकड़ी से बनी हुई काफ़ी सारी आइटम्स होती थी, जो कि धीरे धीरे आप देखेंगे अब काफ़ी कम हो गई है, और इस लाइन में भी अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा। बट यहाँ पे एक रोलर स्केटिंग रिंक है, ये सामने जो आपको दिख रहा है ये रोलर स्केटिंग रिंक है, और जो भी लोग शौकीन है आइस स्केटिंग के और रोलर स्केटिंग के, तो शिमला में दोनों अवेलेबल हैं। जो लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड के पास आइस स्केटिंग हो रही है और यहाँ पे रोलर स्केटिंग हो जाती है। ये सामने जो आपको दिख रहा है जूस कॉर्नर है, इसके ठीक ऊपर से सीढ़ियाँ जाती हैं, यहीं से जाखू के लिए रास्ता जाता है, लक्कड़ बाज़ार है। और ये है, अगर आप थोड़ा सा ही आगे जाते हैं तो यहाँ पे सीताराम एंड सन्स है, तो ये चने कुलचे या टिक्की बनाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो इनके फादर है मैं तो उनके हाथ से खाया करता था, बहुत डिलीशियस बनाते थे वो भी। इनके पास लगभग 3-3.5-4 बजे तक सब कुछ रोज़ ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप शिमला में हैं और आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, तो बेसिकली छोटा सा पैकेज आपके लिए बना देता हूँ। आप सुबह सुबह जब भी जल्दी उठ जाएं और कुफरी चले जाएं, कुफरी में फन वर्ल्ड है, कुफरी में ज़ू है और चीनी बंगलो है, वहाँ पे कॉफ़ी पी सकते हैं, वहाँ की एक हिस्ट्री है और वहाँ जा सकते हैं। साथ में वहाँ पे 1-2 पार्क और हैं, वहाँ जा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बर्फ़ पड़ी है तो वहाँ पे स्नो एक्टिविटीज़, मेजर स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं महासू पीक पे, वहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद शाम को आप डायरेक्ट वहाँ से आइए अपनी टैक्सी या गाड़ी में और जाखू चले जाइए, तो जाखू मंदिर भी हो जाएगा। शाम को आपको बेहद खूबसूरत इवनिंग देखने को मिल जाएगी, भगवान की आरती हो रही तो और भी अच्छी बात है। तो आप वो दर्शन करके जो है सीधे जो है वहाँ से आप रिज जा सकते हैं। अगर रात को आपके पास टाइम बचता है तो आप शिमला की जो मार्केट है रात को देख सकते हैं सेम डे, वरना आप नेक्स्ट डे जो है शिमला मेन मॉल रोड पूरा घूम सकते हैं। तो आप यहाँ पर रिज घूम सकते हैं, हॉर्स राइडिंग इंजॉय कर सकते हैं, अपने आप को ट्रेडिशनली ड्रेसेस में अपने आप को ड्रेसअप करके पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, मॉल रोड घूम सकते हैं, यहाँ से वॉक करते हुए हेरिटेज वॉक होती है पूरी यहाँ से, एक जो आपको एडवांस स्टडीज़ लेके जाएगी, तो म्यूज़ियम है, एडवांस स्टडीज़ है, सिसल से होते हुए जाता है रास्ता, ये सारा आप पूरे दिन बिजी रहेंगे ये कर सकते हैं। नेक्स्ट डे अगर आप चाहें तो आप चायल जा सकते हैं, चायल में क्रिकेट, हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पे, काली टिब्बा है, साधु पुल है, ये सब कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही खूबसूरत फेमस मंदिरों में जाना चाहते हैं तो तारा देवी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, ये सामने वाली जो आपको सनसेट वाली पहाड़ दिख रही है इस पर पड़ता है, शोगी से वहाँ जा सकते हैं, मैंने वो ऑलरेडी कवर कर रखा है। तारा माता का मंदिर है, उसकी भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, मैंने उसमें सुनाई है, और वहाँ आप जा सकते हैं।
बेहद खूबसूरत नज़ारे आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आप संकट मोचन जा सकते हैं, वो भी हनुमान टेम्पल है, वहाँ पे पार्क है और मंदिर बेहद खूबसूरत है। तो आप ये सब करने के बाद पूरा आसानी से शिमला घूम सकते हैं। आसपास की जगहों में फेमस नारकंडा है, आप फागू जा सकते हैं, तो ये जगहें करने के लिए काफ़ी अच्छी हैं, एक दिन में हो जाएंगी। नारकंडा में हाटू पी क्या वहाँ जा सकते हैं, मैंने वो भी कवर किया है। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं, लगभग 4-5 दिन में आप जो है शिमला अच्छे से घूम पाएंगे। तो यार कैसे हैं सारे? मैंने खास कुछ नहीं किया बाज़ार में, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब हेयर कट कराया सिर्फ और इधर से उधर घूमता रहा, मॉम वगैरह शॉपिंग करते रहे, मैं बस घूमता रहा इधर से उधर, कुछ खास ऐसा किया नहीं। तो बस अब वापस आ रहा हूँ गाड़ी के पास। तो जिस रूट से गया था उसी रूट से वापस जा रहा हूँ अब गाड़ी लेने, और बहुत ठंड है, बहुत ज़्यादा। आ रहे हो तो अपने बच्चों को भी जो बोलते रहते हैं मुझे कि यार छोटे बच्चों को ला सकते हैं, यहाँ भी तो छोटे बच्चे होते हैं, कम प्रिपेयर्ड उनको गर्म रखेगा, वरना एकदम क्या है कि इतनी ज़्यादा सर्दी होती है यहाँ पे कि अगर ठंड कैच कर जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर, मतलब समझ रहे हो ना, एकदम बीमार पड़ जाएंगे तेज़। तो बस यही सब है शिमला में अभी, तो बस थोड़ा बहुत पैक है सब कुछ, मैंने कहा ना रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल हो गया, सड़कें हो गई, सब कुछ पैक चल रहा है। और बस ध्यान रखें अपना, अभी कोविड का भी थोड़ा ध्यान रखें, अपने आप भी सेफ रहे, औरों को भी सेफ रखें। मास्क का चलान कट रहा है शिमला में, मेजर तो ध्यान रखना, बाकी सब ठीक है, एंजॉय करो फुल। आने वाले टाइम में बर्फ़ के आसार कोई लग नहीं रहे फिलहाल, अभी सनसेट तो भाई अमेजिंग हो रहा है, मज़ा आ गया। चलो फिर मिलते हैं आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपके साथ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड माय फ्रेंड्स, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट एंजॉय योर लाइफ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो यार ये जगह है टिम्बर हाउस, मतलब एम्प्लॉय बोलते हैं इसको, इसके ऊपर पड़ता है टिम्बर हाउस। तो एक्चुअली मैं ट्रिमर ढूंढ रहा था, यहाँ पे सेलो का होलसेलर है एक नीचे यहाँ पे, तो उनके पास अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं और ट्रिमर भी है उनके पास। तो मैं सोच रहा हूँ जब आया हूँ इधर को एक बार वहाँ जा जाता हूँ उनके पास। सच बताऊँ तो इट्स फ्रीजिंग कोल्ड हेयर, मतलब सुन हो गए हाथ, धूप मत देखना, सुबह से लेकर शाम तक धूप ठंडी थी, ठंड बज रही है ना, एक्चुअली बर्फ़ ऊपर तो पड़ी गई है हाइट्स में। ये है जी जगह, होटल पंकज भी है यहाँ पे, पंकज होटल है नीचे को, वहीं किस थोड़ा सा आगे चले जाते हैं तो वहाँ वो होलसेलर आ जाते हैं। गलियों गलियों में ही होता है सब कुछ यहाँ पे। ये नीचे होटल है पंकज, जो कहीं ना मिले तो ये भी है, एक टिम्बर हाउस में पड़ता है, लिफ्ट से थोड़ा इधर को पीछे है शिमला वाली साइड। ये होटल है और इसके साथ ही आगे को वो पड़ता है टिम्बर हाउस, मेरी वजह से लो वाले होल से लेकर कहाँ कहाँ तक बाइक पहुँची हुई। देखो ये घूम गए इधर 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 इधर, और ये उतर गई सीढ़ियाँ नीचे। ये लिखा वी आर इंजीनियर्स है इस जगह का नाम, और आसपास हो कुछ चाहिए तो जैसे मैं बताया था आपको, प्रेस, क्रॉकरी, गीजर, ये वो सब बहुत कुछ नीचे से क्या होता है, वो बाल्टियाँ, हीटर वीटर, ये सब कुछ भी चाहिए तो होल सेलर अच्छे रेट से इनके पास, प्रोडक्ट की रेंज भी अच्छी है। ये लिया यार मैंने, 1400 रुपये का पड़ा मेरे को, ये है हैवल्स का BT 9000, विक्की कौशल, भाई विक्की कौशल ही छाया आजकल सब जगह, ये है, बाकी तो क्या, बस ले लिया, चलो चले। तो फाइनली 1.5 घंटा ट्रैवल करने के बाद गया मैं पहुंच, आज भी बहुत ज़्यादा रश था यार, बहुत ही ज़्यादा रश था। बस अब थोड़ी देर में व्लॉग एडिट करता हूँ फिर पेश करते हैं आपको, तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा आपको। ये कृष्णा बेकर्स से लाया है मैंने यार, ये कुरकेज है, इसमें मोमोज है यार। वैसे पता नहीं कितने लोग अग्री करेंगे मेरे साथ और कितने डिसअग्री, कि जो क्वालिटी पहले कृष्णा बेकर्स वाले देते थे ना वो नहीं रही अब, पता नहीं आजकल रश जाता है तब कर रहे, पर मोमोज भी अच्छे नहीं थे और कुरकेज भी अच्छे नहीं थे, पता नहीं अब टेस्ट जो क्वालिटी है ना इनकी, मतलब बिल्कुल ही डाउन हो गया, डिग्रेड हो गया मेरे हिसाब से, तो पता नहीं मुझे तो नहीं टेस्टी लगे यार। चलो एनी हाउ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, होप यू एंजॉयड द व्लॉग, इफ यू डिड डू शेयर इट, थैंक यू।